थैंक यू सो मच मैम। वाकई में पेरेंटिंग का जो कंसेप्ट है बहुत अलग लेवल से, अलग यूनिक कंटेंट था, और पेरेंट की नज़रों से अपने बच्चों की राइटिंग और उनके कंटेंट थोड़ा चीज देख कर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और सही बताऊँ तो आपसे मिलने के बाद एक अलग यूनिक लेवल को फील करता हूँ कि मैं जिस साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग में मैं काम कर रहा हूँ, अब लगता है कि वाकई में मैं जो टॉप लेवल जो हासिल करना चाहता हूँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, हालांकि मैं क्लाइंट पर काम कर रहा हूँ लेकिन अलग अब लगता है, मजा आ रहा है कि मैं अलग लेवल पे और ज्यादा जाने की बात कर रहा हूँ। और जितने भी मुझे मेरी फील्ड के लोग मिलते हैं, हालांकि मैं उनको कॉम्पिटिटर नहीं समझता जो साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग का काम करते हैं, मैं दिल से जब उनकी प्रॉब्लम को सुनता हूँ लगता है कि यार इसको भी प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, तो मैं उनको आपके घर का रास्ता बता देता क्योंकि वाकई में जो लोग दिल से पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग दिलदार वाले बनते हैं, आप भी दिल से पढ़ाते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि यार सबका भला हो तो अपना भला हो ही जाए। तो हर व्यक्ति को बताता हूँ यार अच्छा पढ़ना है, जो कोई व्यक्ति अगर दिमाग में कहता है ना कि ग्राफोलॉजी सीखना है तो दिमाग में क्लिक आपका नाम आता है। चल यार मैं बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बात करता हूँ उसका कोऑर्डिनेशन करता हूँ। हालांकि देखो सिंपल सी बात है, और जो जिस लेवल से आप पढ़ाते हो आप है ना, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, आप है ना, मैं चाहे भले छोटा अमाउंट ले रही हो तो आने वाले टाइम में आप YouTube से भी बड़ा चैनल क्रिएट कर लोगे कि बहुत मासिस के अंदर आप, एक मेरे मेंटर हैं जो 1 महीने का करोड़ रुपए कमाते हैं, आप उनसे भी ज्यादा जाने वाले हो, मुझे इतना तो मालूम। थैंक यू और सो बस, और मैं भगवान से जल्दी से ब्लेस करूंगा कि आप करोड़पति बनो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड सेम टू यू।